हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी पोयम है हमारी थर्ड क्लास की इंग्लिश में, द बैलून मैन, है ना, तो उसी के बारे में बताऊंगी। ये पोयम पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। क्या है कि एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे लेकर के बेचने के लिए आया है, ठीक है। उसने क्या कर रखा है, एक लाठी पर रस्सी के सहारे बहुत सारे गुब्बारे बांधे हुए हैं और वो जब हवा में हवा आती है तो गुब्बारे इधर उधर उड़ते हैं और आ करके वो क्या करता है कि जो मार्केट में जो स्केयर होता है ना, चौराहा, उस पर बैठ जाता है कि गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। बच्चे जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों को भी बुला करके लाते हैं, है ना। कोई बच्चा उसे किसी गुब्बारा जो उसको पसंद है उसी का रेट पूछता है, कोई बड़ा गुब्बारा लेना चाहता है, किसी को छोटा गुब्बारा पसंद है, किसी को सफ़ेद गुब्बारा पसंद है तो किसी को नीले रंग का गुब्बारा पसंद है, ठीक है ना। बच्चों की अलग अलग पसंद होती है। किसी के पास गुब्बारे ख़रीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो किसी के पास पर्याप्त पैसे हैं, वो ख़रीद लेता है, ठीक है। इस तरीके से गुब्बारे वाले से बच्चे बातचीत करते हैं और वे बड़े खुश होते हैं उस गुब्बारे वाले को देख करके। और जब गुब्बारे वाले की जब हवा आती है तो उसके गुब्बारे जब उड़ते हैं तो बच्चे उनको देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। कोई उसको बोलता है कि अंकल ऐसा गुब्बारा लेकर के आना, ऐसा गुब्बारा लेकर के आना, ठीक है। और बच्चे क्या चाहते हैं कि गुब्बारे वाला इन गुब्बारों को हवा में छोड़ दे, इस गुब्बारे के गुच्छे को, और वो उड़ते हुए ऊपर जाएं और हमें बहुत सुंदर लगे, ठीक है। ये बच्चा क्या कर रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि गुब्बारे वाला छोड़ दे और हमें बहुत अच्छा लगे, हम उनको देखें कि गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस में बताया गया है।